दोस्तों, राम राम, नमस्कार। मैं सतीश शर्मा, जाफराबादी, उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के जहांगीरपुर कस्बे में हूँ। और जहांगीरपुर कस्बे में ये प्राकृतिक पेंट बन रहा है। जी हाँ दोस्तों, गाय के गोबर से ये प्राकृतिक पेंट बन रहा है। ये प्लांट मैं आपको पूरा दिखाने वाला हूँ। और इस जो प्लांट को चला रही है ये मैडम नमिता तोमर है, और ये मैडम प्रिंसिपल है पब्लिक स्कूल की। अपनी टीम के साथ ये प्राकृतिक पेंट बना रही है। बहुत कम समय में ये बहुत अच्छा उत्पादन कर रही है। अभी हाल में इन्होंने ये प्लांट शुरू किया है। कहाँ से ये ट्रेनिंग लेकर आई है, किस तरह से प्लांट में कितना उत्पादन हो रहा है, क्या इसके लाभ हैं, और दोस्तों क्या ये मुनाफे का गणित है? प्राकृतिक पेंट आप क्यों खरीदें, क्या इसके लाभ हैं? पूरी पड़ताल हम इस प्लांट की करते हैं। जी मैडम नमस्कार, हमारे दर्शकों की ओर से नमस्कार। रन फॉर लाइफ के दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैडम हम ये आपका देख रहे हैं, ये जो आपकी सेल लगी हुई है यहाँ, और ये प्राकृतिक पेंट का उत्पादन आप कर रहे हैं, तो ये कब से कर रहे हैं और कितना पर डे उत्पादन कर रहे हैं, हम आपका प्लान भी देखना चाहते हैं। गाय के गोबर जैसी एक हम इसको बनाने चल रहे हैं, और इसलिए हमारे पास 8 लाख क्योंकि ये जो पेंट है सबसे पहले तो एंटी फंगल है। ये दीवार पे किसी तरह की कोई फफूंद या वो नहीं छोड़ता है। दूसरा, किसी भी लेड से इसका कोई मतलब नहीं है, हमने इसको कोई लेड नहीं मिलाया है। जो शुद्ध रूप है गोबर का, जो विषाणु मुक्त कहा जाता है गाय के गोबर को, हमारी संस्कृति में भी गाय को माता माना गया है, तो उससे प्राप्त सभी चीज़ें हमारे शुद्धता प्रदान करती हैं। वैसे ही गोबर में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें लाभ देती है। उसी का बेसिक उठा के हमने ये उत्पाद स्टार्ट किया है। तो मैडम हम आपका ये प्लांट देखना चाहेंगे, कितना उत्पादन हो रहा है, किस तरह से आप बना रही हैं इसको। आपका जो प्लांट पीछे प्लांट है, जी मैडम, जैसा कि हम आपका प्लांट देख पा रहे हैं, इस काम को करने की प्रेरणा आपको कैसे मिली और कितने लोगों का ग्रुप किस तरह से इस जो आप प्रोजेक्ट को चला रहा है? सर एक्चुअली मेरे जो हस्बैंड हैं उन्हें थोड़ा वीडियोस वगैरह देखने का ज्यादा शौक है, तो ऐसे ही वो एक दिन नेट पे देख रहे थे, तो हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा ये चीजें बाजार में लाई गई है या हमें बताया गया है, तो उसी से प्रेरित होकर हम ये ट्रेनिंग जयपुर से लेके आए, कुमारप्पा संस्थान करके वहाँ पे एक संस्थान है जो उसकी ट्रेनिंग कराता है। फिर हमने ट्रेनिंग की और उसके बाद ही विचार आया कि प्रकृति से थोड़ा जुड़ा जाए। मैडम कितने दिन हो गए आपको इसी यूनिट को शुरू किए हुए? सर करीब 1 महीना हमने अभी स्टार्ट किया। अच्छा अच्छा, पर डे कितने? छोटे से लघु उद्योग से शुरू किया है, और मैं चाहती हूँ कि जो ये मेरी सहयोगी है, अच्छा, इसमें मेरा पूरा साथ देती है। जी जी जी, ये जो ग्रामीण महिलाएं हैं मुख्य रूप से, उनका पार्ट टाइम जॉब आप समझिए कि अपने घर के काम से निपट होकर वो आए कि थोड़े से साधन जुटा सके अपने परिवार। अच्छा, ये गांव की महिलाएं हैं जो आपके साथ पूरा ग्रुप काम कर रहा है? और भी हैं जो अनुपस्थित हैं आज, तो यहाँ से थोड़ा सा ये है कि इन लोगों को भी काम मिल जाता है, और हमारा भी जो स्कूल के बाद का टाइम है वो यहाँ पे सही व्यतीत हो जाता है। मैडम तो आप ये पर डे कितना उत्पादन कर पा रही हैं इससे? सर करीब 700 से 1000 लीटर तक हम कर देते हैं। अच्छा मैडम, ये जो प्लांट हम आपका देख रहे हैं पूरा, ये आपने स्कूल के बराबर में ही अपनी पुरानी जगह पर प्लांट लगा रखा है, ये तो आपकी अपनी जगह होगी, है ना? बहुत सारे वर्कर भी आपके साथ काम कर रहे हैं, तो टोटल ये प्लांट का जो हम अनुमानित है खर्चा माने, तो ये कितना खर्चा इस प्लांट को जो है आपको लग गया हो? सर करीबन 25 लाख रुपए के करीब खर्च हुआ है। अच्छा, 25 लाख में पहला जो प्रोडक्शन आपके हाथ में आ गया है। अच्छा, तो ये पेंट जो है अभी आप बाजार में फुटकर बाजार में बिक्री कर रही हैं या जो है अभी बाहर सप्लाई कर रही हैं, किस तरह से आप मैडम इसका जो है बाजार की व्यवस्था को कैसे देख रही हैं? सर अभी हमने 2 और 3 जिले कवर किए हैं। जी, फुटकर के अलावा। जी मैडम, बाकी यहाँ जो क्षेत्र में लोग जानते हैं, जिन्हें जानकारी मिल रही है, वो पूरी तरह सहयोग कर रहे हैं हमारा, और रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है। और बाकी प्रैक्टिकल के लिए हमने अपनी फैक्ट्री में भी ये किया हुआ है, आप एक बार स्वयं देख सकते हैं। अच्छा अच्छा, ये उंगलियों से चिपकता नहीं है सबसे। अच्छा, ये वाला पेंट आपने जो कर रखा है, हाँ बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है, यानी कि बाकी और जो डिस्टेम्पर है ये जो है वो जरूर आ जाता है, और ये हमने बेस ही इसका लिया है। जी जी जी, वॉल पुट्टी है ना, कुछ नई दीवार पे किया हुआ। अच्छा, डायरेक्ट ये पेंट आपने कर रखा है अपनी, पेंट किया हुआ है।
अच्छा मैडम, ये जो आप जो प्लांट चला रही हैं, तो गांव के लोगों में, गांव की महिलाओं में जागरूकता बढ़ रही है, इससे कुछ लोग इस काम को करने के लिए आगे आ रहे हैं कि नहीं आ पा रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं सर। सबसे पहली बात कि किसानों को एक अन्य आय का स्रोत मिल रहा है, क्योंकि गाय का गोबर हम लोग वहीं से खरीद रहे हैं। अच्छा, अभी आप गाय का गोबर खरीद रहे हैं? बिल्कुल सर। तो मैडम, ये जो पर केजी आप कितने कितने, आपके जो पैकिंग है वो कितने कितने किलो की है, कौन कौन सा प्रोडक्ट बना रही है? 20 लीटर है और 10 लीटर है जी, और 4 लीटर है, 2 लीटर है, 1 लीटर है। अच्छा, 1 लीटर, 2 लीटर, 4 लीटर, 10 से 20 लीटर के आप बना रहे हैं। तो अभी आप ये जो है डिस्टेम्पर बना रही हैं या ये इमल्सल, दोनों बना रही हैं? तो मैडम, रेट जो है इसका क्या, अप्रोक्सीमेट रेट क्या रख रखा है आपने बाजार में इसका, जो बाजार में? और 5470 रुपए 20 लीटर। अच्छा, 20 लीटर का है। अच्छा अच्छा, तो ये जो अन्य कंपनियां बाजार में मैडम जो पेंट बेच रहे हैं, बिल्कुल सर, उनसे करीबन 30% कम है हमारे। अच्छा, 30% मार्जिन कम है। तो मैडम, आप ये जो प्रोडक्ट बना रही हैं वो क्या क्या इसमें इस्तेमाल क्या क्या होता है, काव डंग कितनी मात्रा में होता है, बाकी चूना जो इसका द्रव्य बेसिक बनता है, जैसे आइए जी जी, ये हमारे पास कच्चे माल के रूप में गाय का गोबर है। जी जी बिल्कुल, इसको हमारी ये बहनें साफ करेंगी। अच्छा, इसमें कोई कंकड़ घास मतलब कोई ऐसा तत्व नहीं जाना चाहिए। उसके बाद ये पानी में घोला जाएगा इस मिक्सचर में। अच्छा अच्छा, इस वाले मिक्सचर में, ये जो आपने हम द्रव्य तैयार होगा उसको स्ट्रेन करते हैं, फिर हम छानते हैं। अच्छा अच्छा, छानने के बाद वो बॉयलर है जी, जी। उचित तापमान पे गर्म करके, उचित तापमान पे इसको गर्म किया जाता है जी जी जी, और इसकी जो अन्यतम जो गंदगी है वो खत्म कर दी जाती है माल की, और उसके बाद तैयार। अच्छा अच्छा, ये हमें लिक्विड तैयार फॉर्म में तैयार हो जाता है। जी जी जी, उसके बाद उसको ठंडा करके, ये हमारा मिक्सचर है, यहाँ अन्य चीजों के साथ मिला के पेंट तैयार है। किसी ने ये ड्राई कैसे ये किया? ये सर की जो अंडे मशीन है। अच्छा अच्छा अच्छा, पुट्टी, वॉल पुट्टी वगैरह बनाती। अच्छा, वॉल पुट्टी भी आप बनाती हैं? तो मैडम, ये बाल पट्टी भी काव डंग से बना रही है या किसी और पैटर्न से बना रही है? छानने के बाद बाकी मटेरियल निकलता है उसको सुखा के जी, और पीस के जी, उसी से एक बाल पट्टी तैयार होती है। यानी पेंट का जो रॉ मटेरियल बचता है, वेस्ट बचता है, उससे आप बाल पट्टी बनाती हैं? और दूसरा, और बहुत सारे उत्पाद हैं जो गाय के गोबर से ही तैयार किए जाएंगे। चूंकि अभी हमने बेसिक तौर पे ये शुरू किया है, तो अभी हम यही थोड़ा सा। तो मैडम, भविष्य में क्या प्लान है, आप क्या काउडंग से क्या प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं? काउडंग से साबुन, शैम्पू और जो हमारे घर में ऐसी चीजें तैयार होती हैं वो सब, ईंट सबसे बड़ी बात, ईंट। अच्छा, टाइल्स। अच्छा अच्छा, जो आपकी टाइल्स होती है, ये सारी चीजें मतलब बिल्कुल इको फ्रेंडली हमें बनना है। आने वाले समय में हमारी फैक्ट्री के द्वारा ये सब चीजें उत्पादित की जाएंगी। तो दोस्तों, आपने देखा, सुना और समझा जो मैडम ने बताया है। मैडम नमिता की यहाँ प्रिंसिपल है एक पब्लिक स्कूल की, अपनी सहयोगियों की मदद से ये काव ढंग से पेंट बना रही है। ये इनका अपना कारखाना है और ये जयपुर में इसकी ट्रेनिंग लेकर के आई है। कुमारप्पा संस्थान है, पहले भी हमने अपने उस चैनल पर कई वीडियो कुमारप्पा संस्थान की दिखाई है। यदि आप भी ट्रेनिंग करना चाहते हैं और काव ढंग से पेंट बनाना चाहते हैं, या बना हुआ पेंट अपने घर, दुकान, ऑफिस या फार्म हाउस के लिए खरीदना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम मैडम का या इस कारखाने का पूरा पता दे रहे हैं, टेलीफोन नंबर दे रहे हैं, आप सीधे जानकारी कर सकते हैं। चाहे आपको प्रोडक्ट खरीदना हो, चाहे प्लांट लगाना हो, आप भी इस तरह का कुछ विशेष ऐसा काम कर सकते हैं जो वेस्ट है, लोगों के लिए, किसानों के लिए वेस्ट है, उस वेस्ट से बढ़िया प्रोडक्ट बना सकते हैं। मैं सतीश शर्मा जाफराबादी, जहांगीरपुर, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश से, नमस्कार।